प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर की पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसमें पुलिस ने आज अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा किया। वही इस दौरान भारी मात्रा में अवैध असलाहा व उपकरण भी बरामद किए। इस दौरान मौके से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया व दो अभियुक्त मौके से फरार हो गए। एसपी के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी तिलहर के निर्देशन में अभियान निरंतर चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज जैतीपुर पुलिस टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। थाना जैतीपुर पुलिस थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था रखने व तलाश में वांछित अपराधी हेतु भ्रमर सील थी, तभी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम खेड़ा बखेड़ा के पास नहर किनारे जंगल में झाड़ियों के पीछे कुछ व्यक्ति बैठकर कुछ गलत काम कर रहे हैं, जो कि संदिग्ध लग रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर वहां पहुंची और जंगल में झाड़ियों के पीछे तीन व्यक्तियों को अवैध शस्त्रों का निर्माण कर रहे थे देखा। पुलिस टीम को देखकर तीनों व्यक्ति मौके से भागने लगे तो पुलिस टीम द्वारा तत्काल घेराबंदी की गई तथा आवश्यक बल भी प्रयोग किए गए। इस दौरान अभियुक्त राजवीर को मौके से मय माल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया तथा दो व्यक्ति गुड्डू व सिराज अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में सफल हो गए। पुलिस टीम ने जब घटना स्थल का मुआयना किया तो भारी मात्रा में अवैध बने व अधबने असलाहा, तमंचा, देसी 315 बोर में एक अदद कारतूस, चिंता 315 बोर, एक बंदूक देसी 12 बोर, दो तमंचा देसी 12 बोर, दो अर्ध निर्मित देसी तमंचे व शस्त्र बनाने से संबंधित उपकरण भी बरामद किए गए। देखिए, आज थाना जैतीपुर पुलिस को बहुत भारी सफलता मिली और थाने की पुलिस को काफी दिनों से एक इनपुट मिल रहा था कि जो हमारे बॉर्डर क्षेत्र में एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री काफी जोरों शोरों से चल रही है और वो सीमावर्ती के जितने भी जिले हैं, जैसे कि बदायूं, बरेली, वहां पर भी शस्त्र की सप्लाई इनके द्वारा की जा रही है। इस सूचना पर अपनी मुखबिर के थ्रू इस सूचना को डेवलप थाना जैतीपुर पुलिस ने बहुत बखूबी किया और उसके बाद इस शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ थाना जैतीपुर पुलिस द्वारा किया गया है। इनके पास से एक 315 बोर नाजायज जो देशी तमंचा होता है वो, तीन 12 बोर के और दो अधनिर्मित देशी तमंचे इनके पास से मिले हैं। इसके अलावा बहुत भारी मात्रा में नाल जो बनाने की मशीन होती है, फैन और आदि जो सामान जिससे देशी तमंचा बनाया जाता है वो भी हमें मिला है, बरामद वहां से किया गया है। इस संबंध में एक अभियुक्त जिसका नाम राजवीर है उसको गिरफ्तार किया गया है। कुछ अभियुक्त वहां से दबिश के दौरान जो फरार हुए हैं उनको हमने वांछित कर लिया गया है, उनको भी जल्द से जल्द थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा और हमारी आशा है कि इस कार्यवाही से जो अवैध तमंचे का जो यहां पर कारोबार है, जो खरीद फरोख्त है, उस पर अंकुश लगाने में हम लोग सफल होंगे। जो खरीदार है क्या उनको भी आइडेंटिफाई करने की उसकी तस्दीक करी जा रही है, विवेचना प्रचलित अभी की जाएगी, उसमें तस्दीक किया जाएगा कि कहां कहां इनकी सप्लाई थी, क्या फॉरवर्ड लिंकेज थी, क्या बैकवर्ड लिंकेज थी, कहां से सामान ये लोग सप्लाई लेते थे, कौन इनको फंड सप्लाई करता था, कहां ये बेचते थे, इसकी पूरी जानकारी अभी विवेचना के दौरान की जाएगी। थैंक यू।